हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बच्चों, कल हमने आपको हिंदी सेकंड का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा दिया था। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सारे बच्चे अपनी अपनी हिंदी सेकंड की बुक ओपन कर लें और सेकंड चैप्टर निकाल लें, जिसका नाम है वर्ण विचार। और आज डेट है बच्चों 30 जुलाई 2020, डे थर्सडे है और क्लास सेवेंथ के लिए वर्क है। तो बच्चों, वर्ण विचार में सबसे पहले हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण किसे कहते हैं? तो हमारे मुख से जो भी ध्वनियां निकलती हैं, हम मुंह से जो भी उच्चारण करते हैं, तो उनको ध्वनियों को जो लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए जाते हैं, तो वो ही हमारे वर्ण कहलाते हैं ना, ध्वनि चिन्ह जो होते हैं। और अगर हम इसकी परिभाषा पढ़ें तो वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। यानी कि वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाते हैं। अब इसके बाद आता है बच्चों वर्णमाला। तो वर्णों का जो समूह, ऐसा समूह नहीं, क्रमबद्ध समूह, माने वर्ण वर्ण को जब हम क्रम में लिखते हैं तो क्रमबद्ध जो समूह होता है वो वर्णमाला कहलाता है। और हिंदी वर्णमाला में 49 वर्ड्स हैं, सारे मिलाकर 49 होते हैं। तो जैसे कि ये अ अ ई ई अ से लेके अ तक तो हमारे 11 होते हैं, तो इनको तो हम स्वर बोलते हैं बच्चों। अब व्यंजन में हमारी ये क से का वर्ग में ये चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये हमारी वर्णमाला के हैं। तो ये हमारे व्यंजन होते हैं। तो व्यंजन हमारे ये 33 व्यंजन होते हैं, ह तक, क से लेके हा तक हमारे 33 व्यंजन होते हैं। इसके बाद आयोग वहाँ आते हैं छोटी अंग और बड़ी अंग। छोटी अंग और बड़ी, छोटी अंग को हम अनुस्वार बोलते हैं और बड़ी अंग को विसर्ग बोलते हैं। ये हमारे आयोग वाह होते हैं। और आगत वर्ण, ये तो अलग हैं, और जो फॉर, ये अंग्रेजी उर्दू भाषा के ध्वनियाँ हैं ये। और कुछ होते हैं संयुक्त वर्ण, यानी कि जो दो वर्णों को मिला के बनते हैं, जैसे छ त्र ज्ञा, छ छ और क मिलके, है ना, क और श मिलके छ बनता है, त और र मिलके त्र बनता है, ज और य मिलके ज्ञान बनता है, और श्र और र मिलके श्र बनता है। इस तरीके से हमारी ये पूरी वर्णमाला होती है। इसके बाद आते हैं हमारे वर्णों के भेद। तो वर्णों के हमारे बच्चों दो भेद माने गए हैं, नंबर एक स्वर और नंबर टू व्यंजन। अब स्वर किसे कहते हैं हम? तो हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या बच्चों 11 होती है। अभी हमने बताया था आ से लेके ओ तक। तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता के अकेले ही किया जाता है, तथा जिनका उच्चारण करते समय मुख से जो वायु होती है बिना किसी रुकावट के बाहर आती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। अगर हम इनको मुंह से बोले तो आ ई ऊ ए ओ, तो इनमें हमारा एकदम सीधी जो हवा होती है मुझसे बाहर निकलती है। तो ये स्वतंत्र होते हैं स्वर, इनको बोलने के लिए किसी की आवश्यकता सहायता नहीं होती है। तो ये संख्या में 11 होती है, अ से लेके ओ तक। और अब आते हैं स्वर के भेद। तो स्वर के बच्चों तीन भेद होते हैं, हस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हस्व स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे, जिन स्वरों को हम मुंह से बोलें तो सबसे कम समय लगे, तो वो हस्व स्वर होते हैं। जैसे कि, और ये स्वर कितने होते हैं? हस्व स्वर कितने होते हैं बच्चों? 4 होते हैं, अ ई उ रे, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और रे। और दीर्घ स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में हस्व स्वर से दुगना समय लगे, दीर्घ यानी कि बड़ा। तो इसमें हमारा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, ये हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। और इसके बाद आता है प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हस्व स्वर से तिगुना समय लगे, मतलब कि 3 गुना समय, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम, हे राम, ये। आजकल हिंदी में प्लुत स्वर का प्रचलन समाप्त हो गया है। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे स्वर के तीन भेद होते हैं। तो स्वर हमारे संख्या में 11 होते हैं, अ से लेके ओ तक। और स्वर के तीन भेद होते हैं, हस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो बच्चों हमने अभी तक आपको वर्ण पढ़ाया, वर्णमाला पढ़ाई, वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, आयोग वा क्या होते हैं, संयुक्त वर्ण कौन से होते हैं, व्यंजन कौन से होते हैं। इसके बाद हमने आपको स्वर के भेद पढ़ाए, स्वर के तीन भेद पढ़ाए। तो आज हम आपको बस इतना ही पढ़ाएंगे, कल फिर आगे का चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।